फ्राइडे, जी हाँ फ्राइडे वाला दिन। आइए जानते हैं आज के सितारे और उससे पहले वेदर रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो पवन। स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में जिसमें हम बात करते हैं आपकी राशियों की। कैसा रहेगा आज का दिन आपके लिए, करेंगे चर्चा इसके ऊपर। उससे पहले शुरुआत करते हैं आज के पंचांग की। 26 जून आज दिन शुक्रवार रहेगा। आषाढ़ का महीना, तिथि शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, नक्षत्र मगा नक्षत्र जो है आज बना हुआ है। जो बच्चे आज मगा नक्षत्र में पैदा होते हैं उनको जो है गणमूल की पूजा लगती है। तो आज राहु काल का जो समय है वो 10:44 से लेकर 11:58 तक जो है वो रहेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आपकी राशियों की। बात करते हैं एरिस यानी कि मेष राशि की। मंगल आपके आज 12वें घर में पड़ा हुआ, लगन का मालिक 12वें घर में, किसी न किसी प्रकार से हेल्थ को लेकर चिंता जरूर हो सकती है, थोड़ा इस बात का ध्यान जरूर रखें। चंद्रमा आपके पंचम घर में पड़ा हुआ है, किसी न किसी प्रकार से संतान की तरफ से आपको कोई शुभ समाचार जरूर मिल सकता है। अगर उन्होंने कोई एग्जाम दिया हुआ है तो उसमें भी आज आपको कोई अच्छे समाचार जरूर मिलने के योग बनते हैं। छोटे भाई बहनों से थोड़ी सी दिक्कत परेशानी, कोई ना कोई पराक्रम, थोड़ी सी मेहनत का जो है वो दिन आपका जाएगा, मेहनत में दिन आपकी थोड़ी मेहनत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आगे हम बात करते हैं टॉरस यानी कि वृष राशि। लगन में शुक्र और चंद्रमा आपके चतुर्भाव में पड़ा हुआ, माता की तरफ से बहुत ही आपको शुभ रहेगा। माता की तरह अगर आप माता का आशीर्वाद लेके किसी कार्य को करेंगे तो आप हर कार्य में सफलता आपके कदम चूमेगी, भाग्य भी आपका साथ देने वाला होगा। बस माँ का चरण छूकर, चरण स्पर्श करके ही किसी कार्य को जरूर करें, क्योंकि आपका मंगल भी आज आपका एकादश भाव में पड़ा हुआ है। किसी न किसी प्रकार से आपको धन लाभ के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। परिवार की तरफ से आपको पूरा सहयोग रहेगा और परिवार से मिलकर अगर कोई कार्य करेंगे तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। बात करते हैं जेमिनी यानी कि मिथुन राशि की। राहु सूर्य और बुध की युति आपकी लगन में और चंद्रमा आपके तृतीय भाव में पड़ा हुआ है, थोड़ा सा आपको आज मेहनती जरूर बनाएगा। किसी न किसी प्रकार को लेके कार्य में आप उतनी सफल नहीं हो पाएंगे जितनी आप सोच रहे हैं। कोशिश बहुत हो रही है बट उतनी उसकी रिटर्न नहीं मिल रही। बस थोड़ा सा कई बार कुछ कामों को थोड़ी देर हमें डिले कर देना चाहिए और धीरे धीरे करने चाहिए। कई बार उसमें सफलता में हमें हम अपने कर्म कर सकते हैं पर फल की इच्छा तो वो तो भगवान ही देता है, तो इसलिए थोड़ा धीरे धीरे कार्य करें तो उसमें आप सक्सेस जरूर हो जाएंगे। शनि आपके अष्टम भाव में चल रहा है तो थोड़ा सा ड्राइविंग का खास ध्यान रखें। अगर आपने कहीं जरूरी बाहर जाना है तो ही जाएं, नहीं तो थोड़ा सा जरूर बचाव रखें। कैंसर यानी कि कर्क राशि की बात करूं, सूर्य बुध राहु 12वें घर में 3 ग्रह, कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी आपको हो सकती है, कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर, कोई कलह क्लेश जरूर हो सकता है। अगर आप थोड़ा किसी को वाणी पे जरूर अपने कंट्रोल रखें, गुस्सा भी आज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गुस्से में कई बार हम किसी को कोई ऐसे अपशब्द बोल देते हैं जो दूसरों के लिए भी हितकारी होते हैं और हमारे लिए भी, तो इस बात का थोड़ा सा जरूर अपना ध्यान रखें। आगे हम बात करते हैं लियो यानी कि सिंह राशि की। सिंह राशि चंद्रमा लगन में ही पड़ा हुआ है, 12वें घर का मालिक है और चंद्रमा आपके 12वें लगन में पड़ा है, कहीं ना कहीं हेल्थ को लेके कोई चिंता परेशानी आपको जरूर सता सकती है। कोई ना कोई पार्टनरशिप की अगर बात करूं तो पार्टनर की तरफ से भी कोई ना कोई दिक्कत परेशानी आपको जरूर हो सकती है, तो किसी प्रकार से पार्टनरशिप करने से जरूर आज बचें। कोई अगर पेपर वर्क साइन करने जा रहे हैं तो उसको ध्यानपूर्वक ही करें तो ये दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे हम बात करते हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि की। चंद्रमा 12वें घर में, शनि और गुरु की युति आपके पंचम भाव में बनी हुई है, सूर्य राहु बुध और दशम स्थान में, किसी न किसी प्रकार से काम में कोई आपके अड़चन जरूर आ सकती है। बॉस के साथ कहीं अनबन, सहयोगियों के साथ कोई अनबन हो सकती है। कई बार हम किसी बात को लेके कोई ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं किसी, तो उससे लेके आज कोई ना कोई दिक्कत परेशानी आपको जरूर हो सकती है। बॉस के साथ अनबन, उससे जरूर आप ध्यान रखें और उसके कारण कहीं ना कहीं नुकसान भी आपको हो सकता है। आगे हम बात करते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि की। गुरु शनि की युति आपके चतुर्भाव में, दिन बहुत ज्यादा अगर कहूं तो वो अच्छा नहीं रहेगा। भाग्य साथ देने वाला होगा पर कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ के कारण आप थोड़ा सा
उतना एनर्जेटिक नहीं रहेंगे, उस कार्य को सफलता से नहीं कर पाएंगे। भाग्य तो साथ देगा बट हेल्थ जो है वो आपकी साथ नहीं दे पाएगी आज, तो उस बात का थोड़ा जरूर ध्यान रखें। मेडिटेशन करें तो दिन अच्छा रहेगा। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि की बात करूं, राहु सूर्य बुध की युति अष्टम भाव में, बहन बुआ को लेकर किसी न किसी प्रकार की परेशानी, बेटी को लेकर भी कोई चिंता जरूर सता रही है, उसका थोड़ा सा जरूर ध्यान रखें। पत्नी की तरफ से अगर बात करूं, पति पत्नी में आज संबंध आपके मधुर होंगे, कोई अगर पुराना कलह क्लेश चल रहा था या किसी प्रकार की कोई चिंता मतभेद चल रहे थे तो उसमें भी आज सुधार होता दिखाई दे रहा है। आगे हम बात करते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि की। सूर्य बुध राहु की युति सप्तम भाव में, शुक्र जो है छठे भाव में, पत्नी की सेहत को लेकर जो है वो परेशानी बनी हुई है, थोड़ा ध्यान रखें, खान पीन का ध्यान रखें तो ये दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगल चतुर्थ भाव में कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी लेने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं तो आज प्रॉपर्टी ली जा सकती है। धन धन भाव के लिए भी आज जो है समय अच्छा रहेगा, किसी न किसी प्रकार से आपको धन के प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया हुआ है तो आज पैसा जरूर मांगे, आपके लिए जो है वो अच्छा रहेगा और पैसे मिलने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। आगे हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि की। शनि गुरु की युति लगन में और सूर्य बुध राहु तीन ग्रहों की युति आपके छठे भाव में चल रही है, किसी न किसी प्रकार से कोई रोग आपको पुराना तंग कर सकता है, कोई जो है रोग आपका चल रहा है जो क्या होता है, कई बार कुछ ऐसे रोग भी हो जाते हैं जो कहीं हम डॉक्टर के पास जाते रहते हैं तो डॉक्टर की समझ में नहीं आता कि ये ऐसा रोग कि क्या ऐसी प्रॉब्लम चल रही है हमारे शरीर में, तो इस बात का आप थोड़ा सा जरूर ध्यान रखें कि अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे भी तो हो सकता है कि आपके रोग का जो वो निवारण ना कर पाए, हो सकता है उनको समझ ही ना आए कि आपको किस प्रकार की परेशानी है, तो इसका थोड़ा सा जरूर ध्यान रखें। खान पीन का ध्यान रखेंगे तो दिन आपके लिए शुभ रहेगा। आगे हम बात करते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि की। सूर्य राहु बुध आपके पंचम भाव में, संतान को लेकर कोई चिंता परेशानी, शनि गुरु जो है वो आपके द्वादश भाव में चल रहे हैं, केतु भी आपके एकादश भाव में, मंगल जो आपका द्वितीय भाव में पड़ा हुआ है, दशम स्थान का मालिक द्वितीय स्थान में, काम की तरफ से प्रमोशन के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, सरकारी कामों में कहीं ना कहीं सफलता मिलती दिखाई दे रही है, आपके सीनियर्स और आपके सबॉर्डिनेट जो है उनकी उनके सहायता से भी कोई ना कोई आज कार्य जरूर आपका कोई संपन्न हो जाएगा। बात करें पाइसिस यानी कि मीन राशि की। मंगल लगन में सूर्य बुध राहु की युति चतुर्थ भाव में, कहीं ना कहीं माता की सेहत को लेकर परेशानी चल रही है, बट हाँ सुख समृद्धि के लिए जो है वो दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई बड़े लोगों से भी संबंध आपके अच्छे होंगे, कोई आपका अटका हुआ कार्य भी उनकी सहायता से पूर्ण हो सकता है। शनि आपके एकादश भाव में, अगर आप कोई नए कार्य करने की सोच रहे हैं या कार्य में किसी प्रकार की कोई एडिशन करना चाहते हैं तो आज आप कर सकते हैं, अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन का कार्य भी करना चाहते हैं तो आज किया जा सकता है। आइए फिर बात करेंगे कल आपकी आपकी राशियों को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।